अगर आप भी यूपी बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप इस समय सही चैनल पर हैं। हमारे चैनल की खास वेलकम टू एके त्रिपाठी क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, यानी कि आज की इस वीडियो में मैं आपको अमोनिया गैस का निर्माण हैबर विधि से बताने वाला हूँ। तो अगर आज आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया और समझ लिया, तो अगर आपने इस टॉपिक को पूरे साल नहीं पढ़ा और ये एग्ज़ाम में आ जाता है, तो आप इसका आंसर काफ़ी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो वीडियो को बिना बढ़ाए देखते रहिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमोनिया गैस का निर्माण हैबर विधि से कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं अमोनिया गैस क्या है और इसकी खोज किसने की थी। दोस्तों, अमोनिया की खोज प्रीस्टले नामक वैज्ञानिक ने की थी। अमोनिया का सूत्र NH3 होता है, आपने इससे पहले पढ़ा होगा। अमोनिया गैस को बनाने के लिए दोस्तों कई विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं, लेकिन औद्योगिक रूप से हैबर विधि सर्वाधिक प्रचलित है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको हैबर विधि बताने वाला हूँ। हैबर विधि में दोस्तों अमोनिया को बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने कुछ इस तरह का प्रयोग किया था, जिसका फिगर मैंने आपके सामने बना रखा है। इस प्रयोग में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 में लिया गया, फिर उसे कंप्रेसर पाइप की में डाला गया। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये हमारा कंप्रेसर यानी पंप लगा हुआ है, जो कि किसी भी चीज़ को नीचे से ऊंचाई में पहुँचाता है। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिश्रण जैसे ही इस पाइप में डाला गया, कंप्रेसर ने इस मिश्रण को इस पाइप के सहारे ऊपर की ओर पहुँचा दिया। फिर ये मिश्रण यहाँ से जाता हुआ इस कक्ष में आया। इस कक्ष को दोस्तों उत्प्रेरक कक्ष कहते हैं। इस कक्ष में मॉलिब्डेनम चूड़ रखा हुआ है। मॉलिब्डेनम का कार्य दोस्तों उत्प्रेरक वर्धक के रूप में किया जाता है, यानी उत्प्रेरक वे होते हैं जो किसी भी अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं, और उत्प्रेरक वर्धक जो उत्प्रेरक की कार्य क्षमता को भी बढ़ा देते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का संयुक्त मिश्रण, और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 500 डिग्री सेल्सियस तापमान और 2 सेटियम दाब पर प्रवाहित किया गया है। अब जब इस कक्ष में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिश्रण आया, तो उसके पश्चात जब यहाँ से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिश्रण निकला, तो उसमें मात्र 15-20% ही अमोनिया थी, बाकी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन था। यानी ये उत्प्रेरक कक्ष ही हमारा अभिक्रिया कक्ष माना गया, यानी संपूर्ण अभिक्रिया लगभग यहीं पर संपन्न हो चुकी है। अब देखिए, ये जो आगे गैस निकली, इसमें मात्र 15-20% ही अमोनिया है, बाकी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। अब इन गैसों के मिश्रण को हम लोग संघनित्र से गुजारते हैं। संघनित्र में दोस्तों किसी भी गैस को द्रवीकरण किया जाता है। संघनित्र में जल भरा होता है, आप लोग देख पा रहे हैं। अब देखिए, ये अमोनिया गैस जब यहाँ जिग जैग मोशन में गति करते हुए संघनित्र से गुजरती है, उसके पश्चात संघनित्र के दोस्तों तली में द्रव अमोनिया बैठ जाती है, यानी स्थिर हो जाती है। अब मैंने आपको बताया कि मात्र 15-20% ही अमोनिया यहाँ से निकली थी, जिनमें से वो अमोनिया गैस द्रवित होकर संघनित्र के तली में बैठ गई है। अब बाकी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को बर्बाद न करते हुए हम लोग उसे आगे की ओर प्रवाहित कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पर फिर से पंप लगाया गया है। अब जैसे ही यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिश्रण आता है, पंप हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण को फिर से ऊपर की ओर प्रवाहित कर देता है। और ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ से देख पा रहे हैं आप एरो के माध्यम से, यहाँ पर गति करता हुआ यहाँ से फिर से उत्प्रेरक कक्ष में आ जाता है। फिर से ये
यहाँ पर मॉलिब्डेनम चूर के साथ अभिक्रिया करता है और फिर से अमोनिया गैस बनती है और फिर से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिश्रण प्राप्त होता है और फिर से यहाँ पर द्रवित अमोनिया बैठ जाती है और नाइट्रोजन हाइड्रोजन को फिर से हम लोग प्रवाहित कर, इस तरह से यह अभिक्रिया चलती रहती है और कम खर्च में हैवे विधि द्वारा अमोनिया गैस का ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण संभव हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में, एडिटिंग करने में और अपलोड करने में मुझे कुछ घंटों का टाइम लग जाता है, लेकिन आपको महज कुछ सेकेंड लगते हैं इस वीडियो को लाइक करने में और हमारे इस वीडियो को लगभग 5 लोगों में शेयर करने में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को 5 लोगों में शेयर ज़रूर करेंगे। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात, अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं ये YouTube के नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आप लोग जो कमेंट करेंगे अगला वीडियो हमारा उसी टॉपिक पर आने वाला है। अब देखिए दोस्तों, आप लोग हैवे विधि समझ चुके हैं। अब मैं आपको अमोनिया गैस का जो निर्माण अभिक्रिया है वो मैं बताने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर आपने देखा था कि नाइट्रोजन के 1 अणु और हाइड्रोजन के 3 अणु हमने लिया थे, N2 प्लस 3H2 यहाँ पर हम लोगों ने लिया। अब देखिए, यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है तो हम लोग 1 एरो लगाते हैं, आपने कभी देखा होगा ऐसे करके 1 एरो। लेकिन जब उत्क्रमणीय होती है, यानी कि अभिक्रिया दोनों तरफ जा सकती है, यानी इधर से इधर भी आ सकती है और इधर से इधर भी आ सकती है, तब हम लोग इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। अब देखिए, इस अभिक्रिया होने के लिए हम लोग आयरन को उत्प्रेरक बनाया था और मॉलिब्डेनम को उत्प्रेरक वर्धक बनाया था। तो यहाँ पर Fe मतलब आयरन और Mo मतलब मॉलिब्डेनम चूर्ण। अब जब इसकी अभिक्रिया हुई, देखिए 2NH3 यहाँ पर गैस, अमोनिया गैस प्राप्त हुई। अब हम लोग देख लेते हैं कि अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है। देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 अणु है और यहाँ पर भी नाइट्रोजन के 2 अणु है। यहाँ पर हाइड्रोजन के H2 और 3^6, यानी हाइड्रोजन के 6 अणु है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 3^6 अणु है। इसका मतलब यह अभिक्रिया संतुलित है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए।